कर्नाटक के रण में कौन मारेगा बाजी और कौन होगा चित? पोल्स ऑफ पोल बता रहे हैं नहीं मिलेगा किसी को स्पष्ट बहुमत। आइए रुक करते हैं कर्नाटक इलेक्शन रिजल्ट के पहले, क्या कहते हैं पोल्स ऑफ पोल। पहले एक नजर कर्नाटक चुनाव पर आए 5 सबसे अहम ओपिनियन पोल पर। एबीपी सीएसडीएस, बीजेपी को 89 से 95 सीटें, कांग्रेस 85 से 91 सीटें, जेडीएस 32 से 38 सीटें। टाइम्स नाउ और वीएमआर का ओपिनियन पोल बीजेपी को दे रहा है 89 सीटें, कांग्रेस 91 और जेडीएस 34 सीटें। इंडिया टुडे और कावेरी का ओपिनियन पोल बीजेपी को 76 से 86 सीटें, कांग्रेस को 90 से 91 सीटें और जेडीएस को मिलेंगी 34 से 43 सीटें। TV9 कन्नड़ा और सी वोटर्स का ओपिनियन पोल बीजेपी को मिलेंगी 96 सीटें, कांग्रेस को आएंगी 102 और जेडीएस 25 सीटों पर सिमटेगी। C4 बीजेपी 70, कांग्रेस 126 और जेडीएस 46। अगर इन सभी पोल्स के ऊपर एक विश्लेषण करें और इन पोल्स पर एक पोल करें तो नतीजों के काफी करीब पहुंचा जा सकता है। कर्नाटक चुनाव 2018 पर पोल्स ऑफ पोल इस तरह हैं, बीजेपी को 87 सीटें, कांग्रेस को 93 सीटें और जेडीएस को 38 सीटें। तो बीजेपी को 87, कांग्रेस को 93 और जेडीएस को 38 सीटें मिलेंगी। चुनाव से पहले आए ओपिनियन पोल में इकलौता C4 ही है जो कर्नाटक में कांग्रेस को 126 सीटें दे रहा है। इसके अलावा कोई भी ऐसा ओपिनियन पोल नहीं है जो ये कहे कि कर्नाटक में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। तो इस तरह से कर्नाटक में त्रिशंकु जनादेश आने के चांसेस हैं और पोल्स ऑफ पोल भी यही कह रहे हैं।